फोटोशॉप के अंदर इस तरह का डिज़ाइन हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ देख सकते हैं। एक मैरिड कपल का यहाँ पे देखिए फ़ोटो मैंने डिज़ाइन किया है, बैकग्राउंड है, प्लस यहाँ पे शुभ विवाह लिखा हुआ है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे इस तरह का डिज़ाइन फ़ोटोशॉप में। एकदम ईजी तरीका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम ये डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लस लेयर बाय लेयर मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। देख सकते हैं सारे लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं जो तरीका आपको बताऊंगा आप फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में कर सकते हैं, चाहे आप फोटोशॉप CC वर्जन यूज़ कर रहे हैं या लेटेस्ट वर्जन या फोटोशॉप 7.0, किसी में भी आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। और फ़िलहाल मैं फोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है, उसके बाद फाइल में जाते हैं, उसके बाद न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने के बाद इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे चाहे तो एक नाम दे सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जो साइज ले रखा है वो है 1080 पिक्सल में लिया हुआ है, हाइट भी 1080 पिक्सल का है, रिजोल्यूशन 72 रखा है, मोड RGB कलर रखा है और जो बैकग्राउंड का कलर है उसे मैंने वाइट कर दिया है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज आ चुका है 1080x1080 पिक्सल का। अब मैं कुछ एलिमेंट्स लेकर आऊँगा जिसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, अलग अलग वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। आप गूगल में ढूंढिएगा, लाइट बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह का विंडो लाइट का एक तस्वीर JPG फॉर्मेट में है, इस पर मैंने क्लिक किया, फिर ओपन पर क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं इस तरह विंडो का लाइट के साथ इस तरह का तस्वीर दिया हुआ है। सिंपली इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन वाले पेज पे ले जाते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इसको इस तरह से, उसके बाद इसे मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद Ctrl+T के साथ आपको इस तरह से विंडो को जो तस्वीर है इसे मैं इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ। देखिए इस तरह से हाफ मैं लगाता हूँ इस तरह से, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे इसके साथ ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा येलो कलर हो, तो आप यहाँ पे ये जो आई ड्रॉपर टूल है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो येलो इस पोर्शन है अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आ गया येलो कलर यहाँ मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड वाला लेयर है, ध्यान दीजिएगा जो बैकग्राउंड वाला लेयर है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से तो कलर हम लोगों ने आई ड्रॉपर टूल से तो सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद पेंट बकेट टूल में क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस तरह का बैकग्राउंड यहाँ पे पीछे आ चुका है। आप चाहें तो अगर हल्का लग रहा है तो थोड़ा सा इसको और डीप कर देते हैं, ये मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए इस तरह का बैकग्राउंड हमें मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा येलो इस टाइप का रखने से ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फिलहाल येलो इस कर दिया मैंने। उसके बाद जिस लेयर पर ये आपका विंडो है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने विंडो को सिलेक्ट किया है। नीचे एड लेयर मास्क का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टूल बॉक्स में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे देखिए ऊपर ब्लैक और नीचे वाइट रखा है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रश टूल पे जाते हैं, ये देखिए ये है ब्रश टूल, इस पर क्लिक करेंगे। ब्रश टूल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जो ब्रश टूल का ऑप्शन बार है ठीक मेनू बार के ठीक नीचे, यहाँ पे इसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और ये जो 300 वाला जो ब्रश है जो धुंधला नुमा है, थोड़ा फेदर नुमा आपको दिख रहा है, अब इसका थोड़ा यहाँ से हम लोग स्केल इसको बढ़ा देते हैं, साइज ले लिया। अब यहाँ पर हल्का सा ये देखिए इस तरह से मैं इसको हल्का सा इस तरह से मास्क कर देता हूँ, तो इस तरह से मुझे एक बैकग्राउंड मिल गया। देख सकते हैं इसके साथ बैकग्राउंड के साथ ये मिल गया, हो गया काम कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए पीछे में एक बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे, ये देखिए अब एक बार हम लोग अपने डिज़ाइन को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर उसके बाद आपका ये देखिए पिलर लगा हुआ है, एक पिलर हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो हम लोग पिलर लगाएंगे। तो ये देखिए पिलर एक लेकर आते हैं, यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पिलर का तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए पिलर का तस्वीर हमें यहाँ पे मिल गया है। अब इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पे ले जाते हैं, ये मैं अपने डिज़ाइन पर ला के रख देता हूँ, इसे मैंने यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और ये जो पिलर है देखिए ये वाइट बैकग्राउंड है, देखिए ध्यान से वाइट बैकग्राउंड है, तो ये वाइट बैकग्राउंड तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ से ये है आपका मैजिक वन टूल, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाइट बैकग्राउंड को मैं इस तरह से डिलीट सिलेक्ट कर देता हूँ और एडिट में जाके यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूँ। तो इसके साथ जो वाइट बैकग्राउंड था वो चला गया और ये जो सिलेक्शन अभी यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट में जाके इसे डी सिलेक्ट कर देता हूँ, हो गया।
अब ये जो पिलर है ठीक यहाँ पे नीचे यहाँ पे लगाता हूँ इसको, ठीक इस जगह पे ड्रैग करके कंट्रोल टी के साथ इसे मैं इसको यहाँ से सेट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, बैकग्राउंड एक पिलर यहाँ पे लग चुका है। अब इसको यहाँ पे पहले अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल टी से मैंने इसको इसको सेट कर दिया। उसके बाद हम लोग फाइल में जाते हैं, फिर ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से गोल्डन, देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन मैंने लिया हुआ इस तरह से लाइट का, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक कर दिया, ये आ गया लाइट इस तरह से। अब इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पे ले जाते हैं, ये मैं अपने डिज़ाइन पे ले जाकर रख देता हूँ। इसे मैंने यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसे ड्रैग करके इसको इस तरह से फिल कर दिया, ये पूरा फिल कर दिया है। अब पीछे का कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा, देखिए आप पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो लेयर का पैलेट है यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल वाला बॉक्स है, यहाँ ब्लेंडिंग का बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग कर देते हैं स्क्रीन, स्क्रीन कर देंगे तो इस तरह से कुछ इफ़ेक्ट हमें मिल जाता है, मिल गया, हो गया। जो आप यहाँ पे डिज़ाइन पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह का पीछे दिख रहा है आपको, ये देखिए इस तरह से लाइट का येलो इस लाइट का पीछे आपको इस तरह से डिज़ाइन दिख रहा है, हो गया, ये कम्प्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से देखिए ये है मैरिड कपल का फ़ोटो यहाँ पर रखा हुआ, ओपन पर क्लिक कर देते हैं, ये फ़ोटो आ गया। इसका बैकग्राउंड पहले से मैंने रिमूव कर दिया है, देख सकते हैं पीएनजी फॉर्मेट में है, कटिंग पहले से मैंने कर दिया है। पेन टूल से आप कटिंग कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुका हूँ रिगार्डिंग पेन टूल से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, ईजी है। और आजकल जो हायर वर्सन के सॉफ्टवेयर हैं फोटोशॉप के, वहाँ तो ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, जस्ट वन क्लिक कीजिएगा बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पर ले जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। सिंपली इसको यहाँ पे हमें लगा देना है, थोड़ा सा कंट्रोल टी के साथ इसको इस तरह से एडजस्ट हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये यहाँ पे हमें लगाना है एकदम ठीक, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। अगर छोटा लग रहा था थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू जैसा आपको पसंद आ रहा आप लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, हो गया, ये काम कम्प्लीट हो गया। अब क्या करना है भैया, यहाँ पर देखिए आप एक चीज़ और लगा हुआ है, आप डिज़ाइन पर अगर गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह के एक रिबन इस तरह से ऊपर से मैंने लगा दिया है, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रिबन मैंने लगाया हुआ है। तो रिबन हम लोग कैसे लगाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल है। यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, अब मेरे पास एक रिबन है देखिए यहाँ पर इस तरह से गोल्डन कलर का, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन किया मैंने, ये देखिए गोल्डन कलर का, इसके साथ बैकग्राउंड है, इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पर ले जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका साथ बैकग्राउंड वाइट कलर का वन बैकग्राउंड है, ये मैजिक वन टूल पे क्लिक करेंगे और ये जो वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, ये वाला तो सिलेक्शन हो गया, अब साथ में ये वाला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप मैजिक वन टूल पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन बार में पहले ये वाला सिलेक्ट रहता है, उसके बाद एक बार तो यहाँ पर क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो ये दूसरा वाला जब पहले बार इसमें क्लिक करके इस ऑप्शन के माध्यम से अगर एक बार क्लिक करेंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, फिर इसके साथ हम चाहते हैं कि ये भी सिलेक्ट हो, तो इस पर क्लिक करेंगे दूसरा वाला ऐड टू सिलेक्शन वाला बटन पे, इस पर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट हो गया। फिर एडिट में जाके इसको यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए, ये मैंने क्लियर कर दिया, हो गया। अब ये जो सिलेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, सिलेक्ट में जाके इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए, हट गया है। अब ये जो रिबन है सिंपली आप इसको यहाँ पर इसको लगाना है, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल टी के माध्यम से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखिए इसको ठीक सिंपली इस तरह से आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ये देखिए इसको ठीक यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अगर उसके बाद आप चाहे तो नीचे ऊपर जैसा आपका मन करे आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसको करेंगे क्या हम लोग, ये थोड़ा सा इसको धुंधला करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ फिल्टर में जाते हैं, ब्लर है, फिर गॉशियन ब्लर है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए धुंधला नुमा ये इफेक्ट आपको मिल जाता है, थोड़ा सा ब्लर कर देने से अच्छा लगता है देखने में, ज़्यादा हो गया तो यहाँ से ब्रथ का रेडियस थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये ठीक है, इतना काफ़ी है, हाँ ठीक है, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमें देखिए इस तरह का एक रिबन इस तरह से हमें मिल गया, आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते, जैसा आपका दिल करे आप इसको फिट करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ये देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, ये हो गया। ये जो है ये कपल को थोड़ा सा और इधर मूव करेंगे, यहाँ ज़्यादा ये हाँ यहाँ पर ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है आ गया। उसके बाद ये जो है रिबन वाला, इस पर थोड़ा सा रिबन पे क्लिक करेंगे,
ये थोड़ा सा ऊपर तक रिबन मेरा दिखे यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरह का लाइट, हाँ ये ठीक है, इतना ठीक है, ओके हो गया, लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ तक तो सब कुछ हो चुका। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ, देखिए इस तरह का राउंड, देखिए इस तरह का शेप आपको दिख रहा है, गोल्डन इस तरह से राउंड शेप है, देख सकते हैं। अब इसको लगाना है, प्लस इतना इन्हेंस कैसे हुआ कलर वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए आप, ये हो गया, सब कुछ हो गया भैया। ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे, पहले लेकर आते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला मैंने यूज़ किया है, ये गोल्डन इस तरह से क्लिक करेंगे, हो गया, ओपन पे क्लिक कर देते हैं, आ गया ये वाला। अब इसको ड्रैग करके हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी छोटा है, इसको क्लिक करेंगे। अभी जो वाइट पोर्शन है, ये जो वाइट जो दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पर लगाना है। तो ये जो वाइट दिख रहा है, इसको सेम उसी तरह से डिलीट करेंगे हम लोग, ये पूरा वाइट वाला सिलेक्ट करेंगे। तो ये है मैजिक वन टूल, इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, देख सकते हैं सब सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ एडिट में जाके इसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ये चला गया सब कुछ। अब ये जो सिलेक्शन दिख रहा है आपका, यहाँ सिलेक्ट में जाके इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं, आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसको इस जगह पर लगा देना है, ठीक है, इसको इस तरह से लगा दिया नंबर वन, लेकिन अभी तक अच्छा नहीं हुआ। फिर फाइल में जाते, ओपन पर क्लिक करेंगे। अब दूसरा एक और सर्कल लेते हैं, जैसे ये वाला लेते हैं हम लोग, चलिए ये वाला, हाँ ये वाला, दिस इज़ द बेस्ट, हाँ ये वाला लेंगे, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब इसको भी ड्रैग करके हम लोग अपने डिज़ाइन पे ले जाते हैं। इसका भी देखिए वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, सिलेक्ट किया, फिर इसको अप्लाई कर देते हैं, कर दिया, मैजिक वन टूल पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से सब सिलेक्ट हो गया। एडिट में जाके यहाँ से हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, चला गया। अभी जो सिलेक्ट है इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद ठीक इसको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ अगर इसको ड्रैग करेंगे तो इक्वली इस तरह से राउंड शेप में सिलेक्ट, ये देखिए सिलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देते हैं। अब सिंपली इसको यहाँ पे ठीक इस सर्कल के बीच में हम लोग रख देते हैं, हो गया। जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए आप, ये देखिए बड़ा करके काम करते हैं, ये देखिए देख सकते हैं, हो गया, इसको लगा देते हैं। अब ये दोनों लेयर को एक साथ मर्ज चाहे तो एक साथ करने के लिए, जिस लेयर पे ये वाला है और जिस लेयर पे ये सर्कल है ऊपर वाला, अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इस लेयर को लॉक कर देते हैं। अब क्या होगा, दोनों साथ में देखिए एक साथ हो गया, सिंपली यहाँ पे हम लोग इसको इस जगह पे सेट करेंगे, हो गया। सेट करने के बाद अब इसमें लिखना है शुभ विवाह, तो क्या करेंगे यहाँ पर, और भी इसमें लाइट वगैरह लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब यहाँ पर टाइप टूल पर क्लिक करेंगे, किस कलर से लिखा है वो भी तो देख लेते हैं, वाइट कलर से शुभ विवाह लिखा हुआ है, चलिए तो यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुभ विवाह, यहाँ पे कर्सर ला दिया, अब लिखूँगा मैं शुभ विवाह, तो एस यू बी एच शुभ लिख दिया, देख सकते हैं ये मैं शुभ पहले लिख दिया। अब यहाँ पर लगाना है मुझे, ठीक है, ये देखिए। अब ये जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया कौन सा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉन्ट का नाम है ब्रश स्क्रिप्ट एमटी, नाम है इसका ब्रश स्क्रिप्ट एमटी, लगा दिया मैंने। अब इसी का ऑल्ट के साथ, ऑल्ट की के साथ एक बार ड्रैग करेंगे, इसका एक कॉपी बन जाता है। अब उसके बाद विवाह लिखना, बी वाह विवाह लिख दिया, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला लिखा हुआ है तो ठीक, सिंपली इसको मिल में कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने, सिंपल है, हो गया, रेडी हो गया। इसमें अब क्या करना है, थोड़ा सा लाइट लगा देते हैं, इसको और इन्हेंस करेंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब मेरे पास कुछ लाइट्स है, लेंस फ्लेयर वगैरह, जैसे ये लाइट है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन क्लिक कर देते हैं, ये लाइट को ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आते हैं, चलिए आगे हम लोग इसको यहाँ से, इसके बाद इसको बड़ा करके यहाँ पे लगाना है मुझे, देख लेते हैं भाई, ये देखिए, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर देते हैं इस लाइट को, अब जिस लेयर पे ये लाइट है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसको स्क्रीन कर देते हैं, ये देखिए स्क्रीन कर दिया, देखिए इसमें लाइट ऑटोमेटिकली, देखिए कैसे लाइट आपको दिख रहा है। सिंपली इसको आप चाहें तो यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, जहाँ पर दिल करें इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, जिस जगह पे था वो उस
ठीक है। अब इसको अगर बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर दीजिए इस तरह से, और भी इन्हेंस हो जाएगा। जिधर आपको लगाना चाहे का दिल करेगा, यहाँ लगाना चाहें, यहाँ लगाना चाहें, बस इसको बीचों बीच रखते हैं ना इस जगह पे, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसको फाइल में जाके, अगर आपको यहाँ लगाना है यहाँ लगा देते हैं, यस दिस इज़ लुकिंग गुड, अच्छा लग रहा है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से ओपेसिटी है, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। हो गया, ये बन तो गया। अब आप चाहें तो एक और लाइट लगाना है तो इसी को ड्रैग करके, ये जो जिस लेयर पे ये वाला है ऑल्ट के साथ ड्रैग कीजिएगा, एक कॉपी देखिए और बन के रेडी हो गया। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा, जिधर आपका दिल करे, जैसे एक लाइट यहाँ पे लगा देते हैं, खिला हुआ नज़र आएगा। ये डिज़ाइन पूरा बन के रेडी हो गया भाई, देख सकते हैं सेम टू सेम ये डिज़ाइन हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा इसको डीपनेस, इसका लाइट को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, और ये तो हो गया, सब कुछ बन गया है, देख लिया आपने। अब एक नया लेयर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सबसे ऊपर हो जाने के बाद ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन पूरा तैयार है। हीट ऑन स्क्रीन, ये देखिए बुरा नहीं है। अब एक नया लेयर ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, लेने के बाद अब क्या करेंगे, जितने लेयर्स है सबको एक लेयर में मर्ज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, देखिएगा लेयर्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मर्ज विजिबल है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस ई दिया हुआ है। इसके साथ ऑल्ट की लगा देने से क्या होगा कि एक नया, साथ में ऑल्ट की भी प्रेस कर दीजिएगा तो एक नया लेयर यहाँ बन जाएगा, सारा लेयर मर्ज होकर एक नया लेयर में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और लेटर ई प्रेस कर रहा हूँ, देखिए सारा लेयर मर्ज होकर एक नया लेयर में तब्दील हो गया। अब करना क्या है, हो जाने के बाद अब यहाँ इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, अब कंट्रास्ट को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं, ये देखिए ये देख सकते हैं। अब थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ये ज़्यादा हो गया लाइट, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो देखिए काफ़ी मेरा जो लाइट में जो आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, देखिए कितना खिला खिला, सेम उसी तरह से ये टेक्निक से यहाँ पर किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। हो गया, उसके बाद यहाँ फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। अब जिस जगह भी आपको सेव करना है यहाँ पे जेपैक में क्लिक करेंगे, एक नाम दे देते हैं, जो भी नाम देना है, जैसे यहाँ पे शुभ लिख देते हैं, बी शुभ विवाह, शुभ विवाह नाम से ही सेव कर देते हैं। अब ब्राइड में ही सेव करें, सेव जेपैक है, सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब जेपीजी का ऑप्शन आ रहा है, क्वालिटी 12 मैक्सिमम, ओके पे क्लिक कर देंगे। हो गया, ये पूरा का पूरा डिज़ाइन मेरा बन के रेडी हो गया। अब ये तो फोटोशॉप में हम लोग देख रहे हैं, अब इसको आउटपुट देखते हैं। चलिए अब यहाँ से मैं फोटोशॉप को मिनिमाइज़ करता हूँ, ये मैं इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब यहाँ पे फॉर अपलोड नाम का फोल्डर, उसमें जाते हैं, अब यहाँ पे ब्राइड में आते हैं यहाँ से, अब यहाँ पर देख लेते हैं डिज़ाइन मेरा बना है कि नहीं भैया। ये देखिए शुभ विवाह नाम से बना हुआ है, राइट क्लिक करेंगे इसको यहाँ से और इसको ओपन करके हम लोग देखते हैं। ये तो पहले वाला है, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया, अब देखिए खुल रहा है, देख सकते हैं ये अभी जो मैंने अभी आपको बनाया, देखिए ये पहला वाला दिख रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा ये खिला हुआ नज़र आ रहा है। अब इस देखिए शुभ विवाह लिखा हुआ है, अब इसको मैक्सिमाइज़ करके देखते हैं। ये देखिए डिज़ाइन देख सकते हैं, एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है, ज़्यादा कोई ये नहीं है, बस आपको सही जगह पर सही एलिमेंट्स लगाना है, बस आपका काम बन जाएगा। देखिए देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ये वो जैसा भी आपको अच्छा लगे। देखिए ये भी बुरा नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा डार्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इस तरह का हम लोग डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।